दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप लोग ये जो बैकग्राउंड देख रहे हैं इसको आप लोग एक सिंगल क्लिक पे कैसे हटा सकते हो और अपने बैकग्राउंड को ऐसा कर सकते हो आप लोग या किसी भी और कलर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा अगर आप सीखना चाहते हो कि फोटोशॉप में सिंगल क्लिक पे आप बैकग्राउंड कैसे हटा सकते हो। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो सबसे पहले आपको फोटोशॉप ओपन करना है। फोटोशॉप ओपन करने के बाद आपको वो फाइल ओपन करना है यहाँ से जिसका आपको बैकग्राउंड हटाना है। तो मैं यहाँ पर वो फाइल सेलेक्ट करता हूँ, ओपन। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं इसका जो बैकग्राउंड है पूरा वाइट है, तो इसका हमें बैकग्राउंड अब हटाना है। तो उसको हटाने के लिए आपको यहाँ पर आना है, ये राइट क्लिक करना है और यहाँ से मैजिक इरेजर टू जो कि आप लोग देख सकते हैं इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है लेफ्ट, और ये सिंगल क्लिक पे आप लोग देख सकते हैं पूरा हट चुका है बैकग्राउंड। और यहाँ पे कुछ नीचे पोर्शन थोड़ा सा रह गया, इस पर भी क्लिक कर देते हैं तो ये हट गया। तो जैसे कि देख सकते हैं आप लोग सिंगल क्लिक पे पूरा फोटो हट चुका है। और एक्सपोर्ट करने के लिए आपको सिंपल फाइल पर क्लिक करना है और एक्सपोर्ट पर क्लिक करना है। एक्सपोर्ट क्विक PNG पे क्लिक करेंगे आप, और यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ VIQ और सेव कर लेना। सेव करने के बाद आप लोग यहाँ पर आएंगे तो ये सेव हो चुका है जो कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आ चुका है और पूरा ही फोटो का बैकग्राउंड हो चुका है और बैकग्राउंड है ब्लैक आ चुका है बिल्कुल। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आगे ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।